त्योहार के बाद अब महंगाई की मार आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि घरेलू गैस के दाम बढ़ गए हैं तो वही पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। हमारे साथ में ऐसे एक परिवार है, हरिराम जी और कमला जी, जो कि अपनी इस बजट से परेशान हो गए हैं, क्योंकि अब उनका बजट इस महंगाई से भटकता हुआ उन्हें नजर आ रहा है। बात करते हैं, ये बताइए किस तरीके से आपका बजट फर्क आ गया है, क्योंकि अब गैस के दाम भी बढ़ गए हैं, पेट्रोल में इजाफा है, कितना फर्क आपको आ रहा है बजट में? मतलब भाई हमारे पास कोई कमाई तो उस प्रकार की है नहीं, जो हमारी कमाइयाँ थी थोड़ी बाड़ी उसी से अपना हम काम चला रहे थे। अब देख रहे हैं किसी तरह, अभी इलेक्शन से पहले तो डीजल पेट्रोल कोई राहत में था, अब अभी 80 पैसा डीजल पेट्रोल बढ़ा है, 50 रुपया सुन रहे हैं कि मतलब गैस कभी बढ़ने वाला है तत्काल, कैसे काम चलेगा, इसी गरीबी में कैसे मतलब जिएगा। सरकार कहती कि हम बहुत ही विकास कर रहे हैं, बहुत ही मतलब कुछ कर रहे हैं, मगर कोई विकास ऐसा तो महंगाई पर कोई रोक भी नहीं लगी कि हाँ कि महंगाई पर रोक लगाया जाए। अगर महंगाई पर सरकार, कितना फर्क आ गया है आप मासिक तौर पर अगर देखें, महीने में कितना पैसा, कितना बजट आप खर्च करते थे, अब वो कितना बढ़ जाएगा, आपको क्या लग रहा है? इस बजट में महंगाई के में हम मतलब वही 10-12 हजार रुपया मेरा मतलब जो बजट था उसी में हम चलते थे, उसी में अपना परिवार मतलब किसी प्रकार पाल रहे थे। इससे आगे ना मेरी कोई कमाई है और ना हमारा कोई आगे बजट था। अब मगर फिर भी उसी कमाई में हमको फिर इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा कैश उठाना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत से कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि आप बाइक से जाते होंगे, अपनी स्कूटर से जाते होंगे, कितना फर्क पड़ जाता है रोज, कितना पेट्रोल? जैसे बाइक से हम जाते थे मतलब 1000-1200 रुपया मतलब 1500 रुपया तक का हमारा बजट हो जाता था कि उसे अपना काम चला रहे थे। कभी कभी फिर बीच में देख रहे हैं फिर अब साइकिल फिर चलाना शुरू करेंगे भाई, एक अल्टरनेटिव लग रहा है। हाँ, और हमारे रसोई के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि रसोई गैस बढ़ गई है, आपका परिवार भी बड़ा होगा, कितनी खपत होती थी और अब आपको क्या लग रहा है थोड़ा और इंतजाम करना पड़ेगा? परिवार तो मेरा लंबा ही था, 10-12 परिवार थे, हम एक सिलेंडर 1.5 सिलेंडर हमारा यूज हो जाता था। अब और महंगाई जब बढ़ी तो उस हिसाब से रसोई का और बजट बढ़ जाएगा। सीधे तौर पर मार झेल रहा है परिवार। कमला जी हमारे साथ में, आप घर में खाना ना बनाती हैं तो आप तो गैस बचा बचा के काम करेंगे, कैसे आप करेंगे? नहीं बचाएंगे तो गैस बचा करके आप बचा करके तो काम करना करेगा। 2 सिलेंडर लागत रहा, 3 लगे। कितना 3 टाइम खाना बनता है और फिर त्योहार पे तो गुजिया भी बनी होगी तो बहुत गैस। बच्चे हैं, अब दिन भर दूध गर्म, चाय गर्म, खाना बनाओ, गुजिया बनाओ, मेर मेर खाना बनाओ तो लगता है गैस। मेहमानों का भी आना जाना रहता है? मेहमानों तो आना जाना है, ये है तो बढ़ गए, आप कहाँ से काम चले। कितने सिलेंडर लग जाता है, 1 सिलेंडर आपका 1 महीना चल जाता है या कितना सिलेंडर की जरूरत पड़ती है? 20 दिन चलता है 1 सिलेंडर। 240 दिन, हाँ 19 दिन, 20 दिन ऐसे चलता है 1 सिलेंडर। मतलब अब और इंतजाम करना पड़ेगा, अब और इंतजाम करना पड़ेगा। कितना आप इजाफा देख रहे हैं, क्योंकि अब गैस सिलेंडर भी बढ़ गया है और बता रहे हैं कि 1 महीने भी सिलेंडर नहीं चलता है, तो क्या सोचा है, कैसे व्यवस्था करेंगे, क्या समझ रहे हैं? अब व्यवस्था भैया वैसा है कि कोनो प्रकार तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा, जब महंगाई आ रही तो अब जब खाना खाना है तो जैसे दाल सब्जी खाते थे, कुछ और ले लेते तो खाली दालें सब्जी। कटौती करेंगे गैस की, कहीं के इंतजाम में कटौती गैस के लिए तो कटौती करना ही पड़ेगा कि भाई हमारा 50 बढ़ गया है तो 50 उसको तो बचाना है। अभी कितना 935 की दे रहे थे, 937 की, अब सीधे मतलब समझ लो 1000 होने में कितनी टाइम लगेगा, 1000 होने में 50 जब बढ़ा दिया तो 1000 लग रही है कि अब आगे हो सकता है दाम कम हो जाए, कोई उम्मीद अभी नजर आ रही है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि अब जब एक बार सरकार ने कह दिया कि बढ़ा दिया तो बढ़ना है, उसमें कोई घटने कोई सवाल है नहीं। साफ तौर पर सीधे तौर पर चाहे घरेलू गैस के दाम हो, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें लगातार सीधे तौर पर एक आम आदमी को परेशान कर रही हैं। इस परिवार की भी ये परेशानी है कि अब त्योहार निपटा ही था लेकिन घरेलू गैस के दाम और पेट्रोल दोनों में जो इजाफा हुआ है उससे कहीं ना कहीं इनका बजट सीधे तौर पर खराब हुआ है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।